हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन का पार्ट थ्री है। इससे पहले के पार्ट भी आप ज़रूर देखें, पार्ट वन एंड पार्ट टू, तभी आपको इस वीडियो क्लास में मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले के जो पार्ट हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू, वो आप ज़रूर देखें। और इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में एक होता है कॉन्टेक्स्ट और एक होता है कंटेंट। कंटेंट मतलब जो आप लिख रहे हैं, जो 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 भी आप यूज़ कर रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट मतलब किस सेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड की बात हो रही है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है। कॉन्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेंट से, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसका छुपा हुआ अर्थ क्या है, ये आपको समझना है। और रूल्स को आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यदि आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो रूल्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब इसमें मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं, जैसे एज लिया है, सिंस लिया है, बिकॉज लिया है, एवर सिंस लिया है, सिंस लिया है। ये मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा, और इनको मैं बताऊँगा आपको इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस के थ्रू। क्योंकि जब आप इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया रहता है कि किस तरीके से एग्जामिनर सेंटेंस को इनकरेक्ट करके देता है। ठीक है, तो ये सारा हम देखेंगे, और ये वीडियो क्लास सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए, सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के, यदि आप एस्पिरेंट हैं तो उन सभी के लिए हाईली यूजफुल रहेगी ये क्लास। चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और इस वीडियो क्लास में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज, एज और सिंस और फॉर। इन चारों का ही मतलब होता है क्योंकि, यानी चूंकि। वैसे बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और एज, सिंस और फॉर का मतलब होता है चूंकि। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंस देन हम कब यूज करते हैं? एक होता है सिंस, एक होता है फॉर, एक होता है सिंस देन, और एक होता है एवर सिंस। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे। एज और सिंस में क्या डिफरेंस है, एज और सिंस को हम किस तरीके से यूज करते हैं, और एज और सिंस को हम रीजन के लिए तो यूज करते ही हैं, टाइम के लिए किस तरीके से यूज करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको एज, वेन और वाइल के बारे में भी इस वीडियो क्लास में बताऊंगा। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए, और सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो उससे आपको ये जो वर्ड्स हैं, इनसे आपको डर नहीं लगेगा, इंग्लिश से आपको डर नहीं लगेगा, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और इंग्लिश आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, अब जैसे ये तीन वर्ड्स हैं, बिकॉज, एज और सिंस, और फॉर भी है, लेकिन फॉर का प्रयोग काफ़ी कम होता है। ठीक है, इनको हम रीज़न बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी रीज़न और रिजल्ट को जब हम जोड़ते हैं तो हम बिकॉज, एज, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये चारों वर्ड जो हैं, ये लिंक वर्ड्स हैं, या लिंकिंग वर्ड्स को आप बोल सकते हैं। ये कंबाइन करते हैं, टू क्लॉजेस को ये कंबाइन करते हैं। अब किस तरह के क्लॉजेस को ये कंबाइन करते हैं, ये रीजन को, और उस रीजन की वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है उसको ये कंबाइन करते हैं। रीजन को, कारण क्या है किसी काम का, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसको ये कंबाइन करते हैं, बिकॉज, एज, सिंस और फॉर। लेकिन इन चारों में डिफरेंस क्या है? देखिए, फॉर तो बहुत कम यूज होता है एज ए रीजन, लेकिन बिकॉज, एज और सिंस काफी कॉमनली यूज होते हैं। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है, और क्या एक की जगह दूसरे को हम यूज कर सकते हैं? क्या हम बिकॉज की जगह एज और एज की जगह सिंस का यूज कर सकते हैं? तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, बिकॉज क्या है? देखिए, यदि आप दो सेंटेंस लिख रहे हैं, और एक सेंटेंस में आप एक तरफ रीजन दे रहे हैं और एक तरफ रिजल्ट दे रहे हैं, तो यदि रीजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका बताना बहुत ज़रूरी है आपको लिसनर को, क्योंकि लिसनर को उसके बारे में पता नहीं है। यदि लिसनर को उसके रीजन के बारे में पता नहीं है तो उसका बताना आपको ज़रूरी है। तो सेंटेंस में यदि रीजन और रिजल्ट, यदि रीजन रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसनर को उसके बारे में पता नहीं है, आपको बताना उसको ज़रूरी है, तो हम वहाँ पर बिकॉज का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम एज और सिंस का प्रयोग नहीं करते।
इफ रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट देन वी यूज बिकॉज नॉट एज एंड सिंस, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस, शी स्पोक क्वाइटली बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट कैथरीन टू हियर, मतलब वो धीमे धीमे बोल रही थी, उसने धीमी आवाज में बोला क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कैथरीन उसकी बात को सुने। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, शी स्पोक क्वाइटली, उसने धीमे बोला। अब धीमे बोलने का रीजन क्या है, ये बताना जरूरी है। इसका रीजन केवल ये था कि वो नहीं चाहती थी कि कैथरीन उसकी बात सुने, ये केवल एकमात्र रीजन था, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं था, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से वो धीमे बोल रही थी। तो इसलिए यहां पर हमने बिकॉज का प्रयोग किया है, यहां पर हम एज और सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब रीजन इंपॉर्टेंट है बताना, तो उस सेंस में हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो एक तो ये बिकॉज की बात हुई, अब हम बात करते हैं एज और सिंस की। व्हेन रीजन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक सेंटेंस में हम रीजन और रिजल्ट को जोड़ रहे हैं, लेकिन रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन रीजन को ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है? रीजन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि हो सकता है वो कॉमन सेंस हो सकता है उसके बारे में सबको पहले से ही पता हो, वो वेल नोन हो। तो यदि वो वेल नोन है, यदि उसके बारे में सबको पता है, तो उस रीजन को आप क्यों मेंशन करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही अंडरस्टूड है। तो यदि ऐसी सिचुएशन है, तो उस सेंस में, उस सिचुएशन में आप एज और सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब एज और सिंस में से सिंस थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, ये राइटिंग में ज़्यादा यूज होता है। एज को हम स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज करते हैं, बोलते समय हम ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा इनफॉर्मल है एज, सिंस फॉर्मल है। जैसे यहां पर देखिए, दो सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, सिंस एवरीथिंग कैन बी डन फ्रॉम होम विथ कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन्स, देयर इज नो नीड टू ड्रेस अप फॉर वर्क एनी मोर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? चूंकि हर काम को आज की तारीख में कंप्यूटर से और टेलीफोन से किया जा सकता है, घर बैठे किया जा सकता है, देयर इज नो नीड टू ड्रेस अप फॉर वर्क एनी मोर, मतलब अब काम पर जाने के लिए ड्रेसअप होने की जरूरत नहीं रह गई है। तो ये सेंटेंस काफी हद तक सही है, और इसमें यहाँ पर ये जो हम रिजल्ट बता रहे हैं, इस रिजल्ट के लिए जो रीज़न बता रहे हैं, उस रीज़न के बारे में सबको पता है, वो वेल नोन है कि इसकी वजह से, चूंकि हम घर से काम कर सकते हैं, घर पे हमारे कंप्यूटर है, घर पे हमारे टेलीफोन है, और घर से सारा बिजनेस या जॉब हम कर सकते हैं, तो हमें काम पर जाने के लिए ड्रेसअप होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो रीज़न है, ये सभी को पता है, ये वेल नोन है या अंडरस्टूड है। सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज हेयर, वी आर यूजिंग सिंस हेयर। ठीक है, अब आप एक सेंटेंस ये देखिए, एज एवरी वन ऑलरेडी नोज ईच अदर, देयर इज नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। ये कहीं पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इंट्रोडक्शन की बात चल रही है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है कि चूंकि हर किसी को जानता है, तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये बात सही है। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट में हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। व्हाई वी आर सेइंग इट? बिकॉज एवरीबॉडी नोज ईच अदर, हर किसी को जानता है, तो वहां पर रीजन बताने की तो जरूरत नहीं है, वहां पर वो चीज अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। और नीचे लिखा हुआ, वी विल गेट स्ट्रेट इनटू द बिजनेस ऑफ द मीटिंग, ये इसी सेंटेंस का पार्ट है। तो यदि रीजन बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन अंडरस्टूड है या वेल नोन है, तो आप एज और सिंस का प्रयोग करें। अदरवाइज यदि रीजन इंपॉर्टेंट है, तो बिकॉज का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट। अब देखिए, यहां पर एक ये कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने लिखा है इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीजें कंफ्यूजिंग होती हैं और जो चीजें हर किसी को नहीं पता होती, वही एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखें कि जो चीज अनकॉमन है और जिसके बारे में सबको नहीं पता है, वो एग्जाम में आपके जरूर आएगी। देखिए, वी यूज बिकॉज नॉट एज और सिंस इन क्वेश्चंस वेयर द स्पीकर प्रपोजेस अ रीजन। किसी सेंटेंस में यदि कोई स्पीकर किसी पर्टिकुलर रीजन को प्रपोज करता है, वो रिजल्ट की बात करता है पहले, फिर रिजल्ट के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, उस रीजन को वो खुद ही बताता है कि क्या इसका ये रीजन है, वो खुद ही उसको प्रपोज करता है। तो उस सेंस में या उस सिचुएशन में हम केवल और केवल बिकॉज का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, आर यू फीलिंग अनवेल, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बोल रहा है कि आर यू फीलिंग अनवेल। अब यहां पर ये रीजन भी प्रपोज कर रहा है, बिकॉज यू एट टू मच,
क्या आपकी तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि आपने ज्यादा खाना खा लिया है या ज्यादा खा लिया है? ये रीजन जो बता रहा है, ये कौन बता रहा है? ये स्पीकर बता रहा है। स्पीकर इस रीजन को प्रपोज कर रहा है। इसका रीजन अनवेल होने का कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो जो स्पीकर जो रीजन प्रपोज कर रहा है उसकी वजह से यहां पर हम बिकॉज का प्रयोग कर रहे हैं। इस सिचुएशन में यदि आप सिंस और एज का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन इसमें यदि आप इसको ऐसे बोलेंगे, आर यू फीलिंग अनवेल सिंस यू एट टू मच, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और सेम इसी तरीके के सेंटेंस आपको SSC CGL और बैंकिंग और दूसरे सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर बहुत सटल डिफरेंस रहता है, वर्ड्स के एप्लीकेशन में बहुत सटल डिफरेंस रहता है, और वहां पर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर में, फिलर में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैं इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंसेस इस वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। सम मोर एग्जाम्पल सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड हिज एग्जाम। देखिए, ये है रीजन और ये है रिजल्ट। वो अपने एग्जाम में फेल हो गया। कोई किसी एग्जाम में फेल क्यों होता है? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो ये चीज़ तो सबको पता है, ये तो अंडरस्टूड है, तो इसलिए यहां पर हमने सिंस का प्रयोग इसमें किया है, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, सिंस आई हैड नो मनी आई कुडंट बाय एनीथिंग टू ईट। मैं कुछ भी खरीद नहीं पाया। रीजन क्या है? रीजन वेल नोन है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो यहां पर एज इट वॉज ए पब्लिक हॉलीडे ऑल द शॉप्स वर शट। देखिए ये कितना अच्छा सेंटेंस है कि सारी दुकानें बंद थी, उसका रीजन क्या हो सकता है? 99% केसेस में उसका रीजन ये हो सकता है कि उस दिन पब्लिक हॉलीडे हो सकती है। तो ये चीज़ तो सबको पता रहती है, तो इसलिए यहाँ पर हम बिकॉज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एज को, ठीक है। एज और सिंस में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंस थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, एज इनफॉर्मल वर्ड है। एज को हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते समय भी यूज़ करते हैं, सिंस थोड़ा सा कम हम बोलते समय यूज़ करते हैं, राइटिंग में इसका हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। एज दे लिव नियर अस वी सी देम क्वाइट ऑफन, मतलब मैं उससे या मैं उनसे क्वाइट ऑफन, मतलब बार बार मिलता हूँ या फ्रिक्वेंटली मिलता हूँ, उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो पास में रहते हैं, तो इसका रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक अंडरस्टूड फैक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग किया है। वी वॉच टेलीविज़न ऑल इवनिंग एज वी हैड नथिंग बेटर टू डू, चूँकि हमारे पास करने को कुछ खास नहीं था, इसलिए हमने टेलीविज़न देखा पूरे दिन। तो यहाँ पर भी एक्चुअली एज और सिंस से के थ्रू भी हम रीजन को ही बताते हैं, लेकिन ये माइल्डर फॉर्म है बिकॉज का। बिकॉज थ्रू बिकॉज वी गिव स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर समथिंग, थ्रू एज एंड सिंस वी ऑल्सो गिव रीजन, बट द रीजन इज माइल्डर फॉर्म, ठीक है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। एज और सिंस में ये बेसिक डिफरेंस है। आगे हम यहां पर देखते हैं सिंस एज कंबाइंड टू क्लॉजेस, ठीक है। अब सिंस और एज ये दो क्लॉजेस को कंबाइन करता है, निश्चित रूप से करता है, लेकिन वो जो दो क्लॉजेस होते हैं वो रीजन के भी हो सकते हैं और टाइम के भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंस और एज से हम रीजन और रिजल्ट को भी कंबाइन करते हैं और टाइम के दो क्लॉजेस को भी कंबाइन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको हम समझते हैं। देखिए, सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड हिज एग्जाम, चूंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की थी वो अपने एग्जाम में फेल हो गया। तो यहां पर ये क्या है? ये रिजल्ट है, ये रीजन है, ठीक है। रीजन और रिजल्ट को हमने सिंस से जोड़ा है। सिंस को हमने शुरू में इसलिए रखा है क्योंकि हम रीजन को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं यहां पर। और जब सिंस वाले क्लॉज को या एज वाले क्लॉज को आप सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं। इसको आप बीच में भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही फेल्ड हिज एग्जाम सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में फिर कॉमा नहीं आएगा। यदि इसको आप शुरू में रख रहे हैं यहां पर, तो इसमें फिर हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। सिंस आई हैड नो मनी आई कुंट बाय एनीथिंग टू ईट, चूंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कुछ भी नहीं खरीद पाया, तो अगेन इसमें हम रीजन बता रहे हैं। सिंस ही वॉज टायर्ड शी टुक सम रेस्ट, उसने कुछ रेस्ट लिया। रीजन क्या हो सकता है? हम रेस्ट कब लेते हैं? जब हम टायर्ड होते हैं।
तो यहां पर हम रीजन और रिजल्ट को कंबाइन कर रहे हैं इन तीनों ही सेंटेंसेस में. तो ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस आर करेक्ट. ऑल द करेक्ट सेंटेंसेस आई हैव रिटेन इन ग्रीन कलर. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ कुछ और सेंटेंसेस. देखिए, ये टाइम से रिलेटेड सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ही हैज रिटेन मैनी बुक्स. उसने काफी सारी बुक्स लिखी हैं, या उसने अब तक काफी सारी बुक्स वो लिख चुका है सिंस शी लेफ्ट कॉलेज. अब इसमें आपको क्या समझना है, इसमें इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कि उसने उस समय से लेके अब तक ये काम किया है, इस तरह के सेंटेंसेस में सिंस के बाद जो वर्ब आएगी वो पास्ट सिंपल टेंस में आएगी, और सिंस से पहले जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगी. यदि आप इन टेंसेस को चेंज करते हैं तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत. अब इसमें किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं है, आपको समझना है. समझना कैसे है, देखिए मैं आपको बताता हूँ. ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, मतलब उसने पास से लेके अब तक काफ़ी सारी बुक्स लिख दी हैं, लेकिन उसने बुक लिखना कब शुरू किया, वो स्टार्टिंग पॉइंट कब था. वो स्टार्टिंग पॉइंट था सिंस शी लेफ्ट कॉलेज, जब उसने कॉलेज छोड़ा. तो यहाँ पर ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है एक्चुअली, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम शुरू हुआ और वो अब तक चल रहा है. ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उसने अब तक काफ़ी किताबें लिखी हैं सिंस शी लेफ्ट कॉलेज. अब ये जो है सिंस शी लेफ्ट कॉलेज, इसकी जगह आप एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम भी दे सकते हैं, सिंस 2013, सिंस 2018, ऐसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. तो उस सिचुएशन में ये सिंस जो होगा ये प्रपोजिशन का काम करेगा. अभी ये सिंस जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को या दो छोटे क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है. ठीक है, तो आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है. और इस सेंटेंस पैटर्न में एक तरफ सिंस से पहले हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, और दूसरी तरफ हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यदि आप पैटर्न चेंज करेंगे तो सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत. सिंस शी लेफ्ट कॉलेज ही वॉज ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, ये भी सही है. ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स सिंस 2005. तो इसमें ये सिंस जो है ये प्रपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर एक एक नाउन है, मतलब ये सन है लेकिन इसको भी हम नाउन ही मानते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम है. यहाँ पर 2005 की जगह यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पर ये कंजक्शन है सेंस. ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये टाइम से रिलेटेड हैं, इसमें हम टाइम की बात कर रहे हैं, इसमें हम रीजन और रिजल्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन सेंस इज यूज टू टॉक अबाउट टाइम द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज यूजुअली इन द प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल. और ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जब यहाँ पर आप सेंस को टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो एक तरफ इसमें पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सेंस के बाद, और इससे पहले परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, शी हैड बीन एक्टिंग इन फिल्म्स सिंस सी वॉज 4, मतलब वो फिल्मों में एक्टिंग कर रही है कब से, जब से वो 4 साल की थी. तो सिंस सी वॉज 4 ये क्या है, एक एक क्लॉज है एक. ठीक है, इसकी जगह आप फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम भी दे सकते हैं, सिंस 2011, सिंस 2005, ऐसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. उस सेंस में ये सिंस प्रपोजिशन का काम करेगा, अभी ये सिंस कंजंक्शन का काम कर रहा है. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस द एंड ऑफ जून, ये सेंटेंस सही है. इट हैज़ बीन रेनिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ये भी सही है. यहाँ पर ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है सिंस, क्योंकि यहाँ पर एक ये नाउन दी हुई है, नाउन को ये जोड़ रहा है सेंटेंस से. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये ग्रीन कलर के सेंटेंसेस, ये करेक्ट सेंटेंसेस हैं. और यहाँ पर मैंने लिखे हैं इनकरेक्ट सेंटेंसेस. अब ये सेंटेंसेस इनकरेक्ट तो हैं, लेकिन क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है, ये आपको समझना ज़रूरी है. देखिए, शी वॉज एक्टिंग इन फिल्म्स सिंस सी वॉज 4, इस तरह के सेंटेंसेस में हम सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम लगाते हैं, और सिंस से पहले क्या लगाते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से लेके अब तक एक्टिंग फिल्मों में कर रही है, तो इसलिए इसमें हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर हम बोलेंगे वॉज के स्थान पर शी हैज़ बीन एक्टिंग इन फिल्म सिंस सी वॉज 4, जब से वो 4 साल की थी तब से वो फिल्मों में एक्टिंग कर रही है.
आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ जून। इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं हम फ्रॉम नहीं लगाते, हम सिंस लगाते हैं यहाँ पर। तो इसमें आएगा सिंस। देखिए कितने अच्छे ये सेंटेंस बन गए। इट हैज़ बीन रेनिंग फ्रॉम मंडे। फ्रॉम का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में नहीं करते, फ्रॉम का प्रयोग हम नॉन परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, लेकिन चूंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए हम फ्रॉम का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। इन प्लेस ऑफ फ्रॉम वी विल से सिंस। ठीक है, तो ये तीनों रेड कलर के जो सेंटेंसेस हैं ये हैं इनकरेक्ट और ये हैं करेक्ट। ठीक है, तो कठिन नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, वीडियो को पॉज करके भी आप इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने माइंड को जब आप अप्लाई करेंगे, समझेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सेंटेंसेस और डिस्कस करते हैं। आई हैव नोन हिम सिंस ही वॉज बॉर्न। वह जब पैदा हुआ था तब से मैं उसे जानता हूँ। आई हैव नोन हिम सिंस ही वॉज बॉर्न। अब देखिए यहाँ पर हमने सिंस से पहले परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है और सिंस के बाद हमने पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। वॉज बॉर्न जो है ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि बॉर्न को हम हमेशा पैसिव वॉइस में ही यूज़ करते हैं, तो इससे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है लेकिन पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है ये, और इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझा देता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है? ये सेंटेंस इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि नो का प्रयोग, ये जो नो वर्ब है, इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि क्यों इस वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते। देखिए यदि आप बोलते हैं नोइंग, तो यदि आप किसी को जानते हैं तो हमेशा के लिए जानते हैं, वो एक फैक्ट की तरह होता है, वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं होती कि आई एम नोइंग हिम। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं उसको जान रहा हूँ। यदि आप उसको जानते हैं तो जानते हैं, ठीक है, तो इसलिए नोइंग आप नहीं बोल सकते, और नोइंग चूंकि नहीं बोल सकते इसलिए इसका प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। नो का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंस में ही आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर नोइंग जो है ये गलत हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये गलत है सेंटेंस, ठीक है, ये सही है सेंटेंस। अब आप यहाँ पर देखिए, इंडिया हैज़ बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री सिंस 1947। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री रही है कब से? 1947 से लेके अब तक, ठीक है। तो इंडिया हैज़ बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कंट्री इसमें नाउन है, इंडिपेंडेंट इसमें एडजेक्टिव है। हैज़ बीन मतलब रही है या रहा है, वो 1947 से लेके अब तक ऐसा रहा है, इसका हिंदी में मतलब ये है, इस सिचुएशन में वो रहा है, ये एक एडजेक्टिव है एक्चुअली इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रहा है कब से लेके? 1947 से लेके अब तक। तो इंडिपेंडेंट इसमें एडजेक्टिव है, कंट्री इसमें नाउन है, ठीक है। इंडिपेंडेंस यदि आप बोलेंगे तो वो नाउन हो जाएगी। तो ये सेंटेंस इसमें आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए ये इनकरेक्ट क्यों है? इंडिया हैज़ बीन अ इंडिपेंडेंट कंट्री सिंस 1947। इसका स्ट्रक्चर सही है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, लेकिन फिर भी इसमें गलती क्या है? गलती है इसमें इंडिपेंडेंट से पहले इसमें ए का प्रयोग, यहाँ पर आएगा एन, तो ये इसमें गलती है। ये छोटी छोटी बारीकियाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं। कुछ और सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं। इट हैज़ बीन सेवरल डिकेड्स सिंस इंडिया वन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक हॉकी। इट हैज़ बीन सेवरल डिकेड्स मतलब इस बात को दशक बीत गए हैं, काफ़ी सारा टाइम हो गया, काफ़ी सारे दशक, डिकेड मतलब 10 साल का जो टाइम होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, इट हैज़ बीन सेवरल डिकेड्स सिंस इंडिया वन अ गोल्ड मेडल। अब इसमें आप कुछ भी गलती कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पर डिकेड्स के स्थान पर डिकेड लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सेवरल जो है ये अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। इसमें सिंस के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, तो वन के स्थान पर यदि आप कुछ और वर्ब लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ये सेंटेंस सही है, ठीक है, देखिए ये गलत है सेंटेंस, लेकिन गलत क्यों है देखते हैं। इट हैज़ बीन सेवरल डिकेड लिखा है यहाँ पर, डिकेड्स होगा, सेवरल का मतलब मैनी होता है, मैनी अपने साथ प्रोनाउन लेगा यहाँ पर। सिंस इंडिया वन, तो ये भी सही है इसमें, ठीक है, तो ठीक है।
अब हम देखते हैं आगे. इट हैज़ बीन सेवरल सेंचुरी सिंस वास्को डिगामा लैंडेड इन इंडिया. ये सही है सेंटेंस, ये है गलत सेंटेंस. इट हैज़ बीन सेवरल सेंचुरी सिंस वास्को डिगामा वॉज लैंडेड इन इंडिया. देखिए एग्जामिनर इसी तरीके से सेंटेंस को गलत करके आपको देता है और आप समझ नहीं पाते हैं ये सेंटेंस सही क्यों है, ये सेंटेंस गलत क्यों है. इट हैज़ बीन सेवरल सेंचुरीज, यहाँ तक ये सही है, मतलब इस बात को काफ़ी सारी सेंचुरीज हो गई हैं कब से लेके अब तक, सिंस वास्को डी गामा वॉज लैंडेड इन इंडिया. वॉज लैंडेड का मतलब क्या होगा, लैंडेड का मतलब कहीं पर पहुंचना. वॉज लैंडेड हो जाएगा पैसिव वॉइस, इसका मतलब होता है, इसका मतलब निकलेगा कि किसी व्यक्ति को कहीं पर पहुंचाना. तो वास्को डी गामा को हमने पहुंचाया नहीं वहां पर, वो खुद वहां पर पहुंचा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है. और इसलिए मैंने बोला था कि लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉन्टेंट. कॉन्टेक्स्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना है. क्या ये कहना सही होगा कि वास्को डी गामा को मैंने वहाँ पर पहुँचाया, वास्को डी गामा ने तो खुद यात्रा की. ठीक है, पैसिव वॉइस में एक एजेंट क्रिएट हो जाता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कुछ काम होता है, वो खुद अपने आप में काम नहीं करता है, उसके ऊपर काम किया जाता है. ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है किसी एक्शन का. तो ये गलत है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, सभी सेंटेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. यहाँ हम देखते हैं सिंस कैन बी यूज एज एन एडवर्ब, अ कंजंक्शन और प्रपोजिशन. सिंस को हम एडवर्ब की तरह, कंजंक्शन की तरह और प्रपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं. सिंस को प्रपोजिशन की तरह कैसे यूज करेंगे, देखिए शी हैज चेंज्ड अ लॉट, वह काफ़ी चेंज हो गई है कब से, सिंस हर मैरिज. अब सिंस के बाद यहाँ पर हमने क्या लगाया है, नाउन लगाया है, सिंस हर मैरिज, उसकी शादी. ये एक एक्शन का नाम है या किसी चीज़ का नाम है, तो इसलिए इसको हम नाउन मानेंगे. और नाउन को कंट्रोल करता है प्रपोजिशन, यानी यहाँ पर सिंस जो काम कर रहा है वो एक प्रपोजिशन का कर रहा है, दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा है, ये नाउन को इस सेंटेंस के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रपोजिशन. Everything has changed so much since our last meeting. तो our last meeting क्या है, एक noun है और noun को ये since combine कर रहा है इससे, तो इसलिए ये since यहां पर क्या है, preposition है. ठीक है, adverb की तरह देखते हैं. The boy went missing on Tuesday. मतलब Tuesday को एक बच्चा खो गया था. Go missing का मतलब होता है लापता हो जाना, went missing मतलब खो गया. ये दो verb जुड़ती हैं आपस में किसी किसी सेंटेंस में या किसी किसी कॉम्बिनेशन में. तो गो यहाँ पर है एक्चुअली गो मिसिंग. ठीक है, द बॉय वेंट मिसिंग ऑन ट्यूसडे एंड मतलब ट्यूसडे को वो बच्चा खो गया था और तब से लेकर अब तक हैजंट बीन सीन सिंस. तो ये सिंस किससे जुड़ा हुआ है, वर्ब से, तो इसलिए ये हो जाएगा एडवर्ब. और तब से उसको देखा नहीं गया है, हैजंट बीन सीन सिंस. ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस गलत है. अब इसमें आप दिमाग लगाइए और बताइए कि ये सेंटेंस गलत क्यों है. इसमें देखिए ऊपर वाला सेंटेंस में बीन लगा है, नीचे वाले सेंटेंस में बीन नहीं लगा है. ऊपर वाले सेंटेंस में सीन है, तो सीन तो इसमें भी है, सीन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें बीन है, इसमें बीन नहीं है. इसमें हैजंट है, इसमें हैजंट है, लेकिन बीन जो है नीचे वाले सेंटेंस में मिसिंग है. अब इस बीन की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया, लेकिन क्यों ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया बीन की वजह से, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और इसको फिर मैं आपको बताता हूँ. देखिए हैज़ बीन होता है, हैज़न्ट सीन यदि मैं बोलूँ तो हैज़न्ट सीन एक्टिव वॉइस है, हैज़न्ट बीन सीन पैसिव वॉइस है. ठीक है, तो हैज़न्ट बीन सीन का मतलब है कि जब से वो लापता हुआ है तब से उसको देखा नहीं गया है. ठीक है, तो हैजंट बीन कहना सही होगा. यदि आप बोलते हैं हैजंट सीन, तो इसका मतलब है कि बच्चा लापता हो गया है और जब से वो लापता हुआ है तब से उसने नहीं देखा है, उसने नहीं देखा है. जबकि यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उसको नहीं देखा गया है, वो लापता हो गया है और तब से उसको नहीं देखा गया है. उसको नहीं देखा गया है मतलब बच्चे के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, बच्चा एक्शन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें पैसिव वॉइस का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को कर सकते हैं. तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसको आपने बोल दिया एक्टिव वॉइस में, ये सही है, और पैसिव वॉइस में ये चाहिए और पैसिव वॉइस में ही ये लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका हो गया सही.
कंजंक्शन की स्थान पर कैसे यूज होता है, सिंस ही हैडंट स्टडी हार्ड ही फेल्ड हिज एग्जाम, इसको आप बीच में भी रख सकते हैं सिंस को, इसको आप बोल सकते हैं ही फेल्ड हिज एग्जाम सिंस ही हैडंट स्टडी हार्ड। तो ये दो सेंटेंसेस को एक्चुअली जोड़ रहा है, तो इसलिए ये हुआ आपका कंजंक्शन, सिंस यहाँ पर है कंजंक्शन। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, सिंस इसमें आप बीच में लगा सकते हैं, तो ये भी गलत, ये भी सही है, लेकिन नॉर्मली हम सिंस और एज फ्रेजेस को शुरुआत में लगाते हैं, बीच में हम नहीं लगाते, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही है। अब हम यहाँ पर एज विद रेफरेंस टू टाइम, एज को हम टाइम के रेफरेंस में किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए जब दो एक्शन साथ साथ में होते हैं, टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, दो एक्शन एक साथ होते हैं, तो उस समय हम एज का प्रयोग करते हैं, उस समय किसी और वर्ड का प्रयोग आपको नहीं करना है, एज का प्रयोग करना है जब दो एक्शन एक साथ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वी हैड डिजर्ट एज वी वॉच टीवी, एक तरफ हम टीवी देख रहे थे, एक तरफ हम डिजर्ट खा रहे थे। हैड का मतलब है ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, हैड का मतलब हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे। यहां पर आप टुक भी बोल सकते हैं, वी टुक, ठीक है, टुक या हैड या एट या एक्सपीरियंस्ड कुछ भी बोल सकते हैं, यहां पर ये मेन वर्ब है, ठीक है। वी हैड डिजर्ट एज वी वॉच टीवी, एक तरफ हम टीवी देखते जा रहे थे, एक तरफ हम डिजर्ट खाते जा रहे थे। तो एस से ये दो एक्शंस जो हैं, ये छोटे छोटे एक्शंस हैं, ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर एस से ये, ठीक है। एस का प्रयोग हम इस चीज़ को बताने के लिए कर रहे हैं कि दो एक्शन जो हैं ये इसमें साथ में हो रहे हैं। आई वॉच्ड हर एज शी ओपन द डोर, मैंने उसको देखा जिस समय वो लेटर को खोल रही थी, सॉरी डोर को खोल रही थी, उस समय मैंने उसको देखा, मतलब देखने का काम उसका, उसका डोर खोलने का काम और एक व्यक्ति का उसको वॉच करने का टाइम, दोनों एक्शन साथ साथ में हो रहे हैं, वॉच और ओपन। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों एक्शन साथ साथ होंगे, जब होंगे तो वर्ब की फॉर्म ये सेम रहेगी, इसमें जैसे सेकेंड फॉर्म आई है वर्ब की और इसमें भी सेकेंड फॉर्म आई है वर्ब की, ठीक है। तो एक ही टाइम पर दोनों एक्शन होंगे, या तो प्रेजेंट में होंगे या पास्ट में होंगे या फ्यूचर में होंगे, इसको आप ध्यान रखें। और यहाँ पर हम देखते हैं कैन यू टर्न ऑफ द लाइट एज यू गो आउट, क्या आप लाइट बंद कर सकते हैं बाहर जाते समय, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट एज यू गो आउट, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है। अब एग्जामिनर क्या देगा, एग्जामिनर जैसे टर्न ऑफ का टर्नड ऑफ कर देगा, ठीक है, एज यू गो आउट का गोइंग आउट कर देगा, तो दोनों ही इसमें सिंपल वर्ब को हमने यूज़ किया है, जैसे टर्न है यहाँ पर सिंपल वर्ब और गो आउट है यहाँ पर सिंपल वर्ब, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको सेंटेंस की देखना होती है। एज दे वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट दे लुक्ड इन द शॉप विंडो, जैसे वो स्ट्रीट में घूम रहे थे तो वहाँ पर वो जो शॉप की जो विंडोज हैं उसमें वो देख रहे थे, तो ये भी सेंटेंस सही है। समथिंग हैपेंड एज यू वर डूइंग समथिंग एल्स, एक इसमें भी हम एस का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई एक्शन हो रहा है, 5 मिनट का कोई एक्शन है, ठीक है, और उस 5 मिनट के ये है, यहाँ से एक्शन शुरू हुआ और यहाँ तक एक्शन चल रहा है, कोई एक्शन चल रहा है, ठीक है, कोई एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है, उसके बीच में कोई काम होता है, तो उसमें भी यही माना जाएगा कि दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, क्योंकि एक एक्शन तो ये ऑलरेडी चल ही रहा है और उसके बीच में एक एक्शन ये हो रहा है, तो इस सिचुएशन में भी हम एस का प्रयोग करेक्टली कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं शी स्लिप्ड एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस, मतलब वो जब बस से उतर रही थी तो वो वहाँ से स्लिप हो गई, और इसको भी आप देख सकते हैं द थीप वॉज सीन एज ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, थीप को जब देखा गया जब वो दीवार पर चढ़ रहा था, तो ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखते हैं शी स्लिप्ड सिंस शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस, इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं, जिस समय वो बस से उतर रही थी उस समय वो स्लिप हो गई, तो दो काम जब एक साथ होते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं, इसमें क्या लगा है सिंस, इसलिए ये सेंटेंस हो गया गलत। द थीव वॉज सीन सिंस ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, इसमें भी सिंस लगा दिया, यहाँ पर सिंस की जगह एज लगेगा, ठीक है। टू एक्टिविटीज हैपनिंग टुगेदर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब दो एक्टिविटी साथ में होती है लेकिन जो एक्टिविटी होती है वो छोटी छोटी ना होते हुए लंबी एक्टिविटीज होती है, उसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, उसके लिए भी हम एस का प्रयोग कर सकते हैं, दो एक्टिविटीज़ यदि साथ में हो रही हैं तो।
एज द डे वेंट ऑन द वेदर गॉट वर्स, जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे मौसम खराब होता गया। एज द डे वेंट ऑन द वेदर गॉट वर्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आप एज का प्रयोग आप सही कर सकते हैं। आई बिगेन टू इन्जॉय द जॉब मोर एज आई गॉट यूज टू इट, मतलब जैसे जैसे मैं उसका अपने जॉब का यूज टू होता गया, उसकी आदत मुझे पड़ती गई, वैसे वैसे मैं उस जॉब को ज़्यादा इन्जॉय करने लगा। आई बिगेन टू इन्जॉय द जॉब मोर एज आई गॉट यूज टू इट। तो यहाँ पर एज का प्रयोग सही है, और इसमें एज के स्थान पर यदि आप यहाँ पर सिंस लगाते हैं या और कुछ लगाते हैं तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। एज द डे वेंट ऑन द वेदर वेदर हैज़ गॉट वर्स, ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने पास्ट की वर्ब ली है, तो यहाँ पर भी हम पास्ट की वर्ब लेंगे, इसमें हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। यानी एक तरफ इसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर दिया है और एक तरफ पास्ट सिंपल का प्रयोग कर दिया है। तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन इसको इनकरेक्ट बना दिया गया है। तो एग्जामिनर इस तरह के ही सेंटेंस आपको एग्जाम में देता है, जिसमें छोटे वर्ड्स को वो या तो उसका टेंस बदल देता है या उस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड दे देता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। जस्ट एज और जस्ट एज में क्या अंतर? जस्ट एज मतलब एग्जैक्टली एज, एट द सेम टाइम। तो जस्ट एज का भी आप यूज कर सकते हैं। जस्ट एज आई सेट डाउन द फोन रैंग, जैसे ही मैं बैठा ठीक उसी समय फोन की घंटी बज उठी। जस्ट एज वी वर गोइंग आउट इट स्टार्टेड टू रेन, जब हम बाहर जा रहे थे ठीक उस समय जिस समय हम बाहर जाने के लिए निकल रहे थे उस समय बारिश स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से जस्ट एज का प्रयोग हम करते हैं, ठीक उसी टाइम, ठीक है। जस्ट एज आई सिट डाउन द फोन रैंग, ये सेंटेंस गलत क्यों है? ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि दो एक्टिविटी जब साथ में होती हैं तो उसका टाइम एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं पास्ट टेंस और यहाँ पर हम बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस, इसलिए ये गलत हो गया है सेंटेंस। जस्ट एज वी हैड बीन गोइंग आउट स्टार्टेड टू रेन, जस्ट एज वी वर गोइंग आउट, हैड बीन नहीं आएगा यहाँ पर। ऐसे इन सेंटेंसेस को इनकरेक्ट किया जाता है। एज वेन और वाइल का समझ लेते हैं। वी यूज एज फॉर टाइम रेफरेंस फॉर एक्शंस ओनली। देखिए इसमें आपको कोई भी चीज रटना नहीं है, आपको समझना है, नहीं तो आप काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए एज प्लस सिचुएशन मींस बिकॉज, एज के साथ यदि कोई सिचुएशन लगी है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि दो काम एक साथ हो रहे हैं, उसका मतलब होगा बिकॉज। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, एज वी वर असलीप वी डिडंट हियर द डोरबेल, ये मिसप्रिंट है, हियर है एक्चुअली, ये हियर, ठीक है। एज वी वर असलीप, चूंकि हम सोए हुए थे इसलिए हमने डोरबेल की घंटी की आवाज़ नहीं सुनी। तो यहाँ पर एज वी वर असलीप, चूंकि हम सोए हुए थे, ये सोए हुए क्या है? ये एक्शन नहीं है, ये सिचुएशन है, ये एक्शन है। यानी यहाँ पर एक तरफ एक्शन है और एक तरफ सिचुएशन है। तो एक्शन और सिचुएशन दोनों साथ में हो रहे हैं, दो एक्शन साथ में नहीं हो रहे हैं, दो सिचु एक एक्शन है और एक सिचुएशन है। तो इसलिए एज का मतलब यहाँ पर बिकॉज निकलेगा। एज वी वर असलीप, चूंकि हम सोए हुए थे, बिकॉज वी वर असलीप वी डिड नॉट हियर द डोर बेल, हमने डोर बेल नहीं सुनी, ठीक है। तो इसका ये मतलब यहाँ पर निकलेगा। दो एक्शन साथ में इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दो एक्शन तो इसमें है ही नहीं, इसमें एक एक्शन है एक सिचुएशन है। तो इसलिए एज का मतलब यहाँ पर बिकॉज निकलेगा। तो ये आपको समझना है, लेकिन ये सेंटेंस सही है। एज दे लिव नियर मी आई सी देम क्वाइट ऑफन, यहाँ पर भी इसका मतलब बिकॉज है, यहाँ पर ये दो एक्शन साथ में नहीं हो रहे हैं। किसी के पास में रहना एक एक्शन नहीं है, ये सिचुएशन है, सिचुएशन और एक्शन को आप जोड़ रहे हैं। और जब सिचुएशन और एक्शन को जोड़ते हैं तो एज का मतलब ये नहीं निकलता कि दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, इसका मतलब निकलता है बिकॉज, ठीक है। ये दोनों ग्रीन कलर के जो सेंटेंसेस हैं ये सही हैं। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। यूज वैन, देखिए यूज एज वैन टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, जब दो चीज़ें साथ में हो रही हैं तो एज आप लगाएं, एक के बाद एक चीज हो रही है तो फिर आप वैन लगा सकते हैं। वेन आई गॉट होम आई हैड अ बाथ, जब मैं घर पहुंचा तो उसके बाद मैंने नहाया, पहले मैं घर पहुंचा उसके बाद मैंने नहाया। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। लेकिन ये सेंटेंस गलत क्यों है? एज
एज आई गॉट होम आई हैड अ बाथ, ये है एक्चुअली आई, ये मिसप्रिंट हो गया इसमें, ठीक है। एज आई गॉट होम आई हैड अ बाथ, तो मतलब इसमें इसमें क्या बता रहे हैं कि दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं, एज के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक्शन साथ में नहीं हो सकते, पहले आप घर पहुंचेंगे उसके बाद कोई काम करेंगे, तो इसलिए एज के थ्रू एज का प्रयोग यहां पर गलत हो जाएगा, यहां पर वैन का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम, वाइल का मतलब होता है किसी काम के दौरान, जब काम चल रहा था उस समय, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। वैन आप फिक्स टाइम के लिए लगा सकते हैं और ड्यूरिंग द टाइम के लिए भी वैन लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम के लिए वाइल ज्यादा कॉमन है, वैन फिक्स टाइम के लिए हम लगाते हैं। जैसे द डोर बेल रैंग वाइल वी वर अस्लीप, जिस समय हम सो रहे थे उस समय घंटी बजी। द डोर बेल रैंग ड्यूरिंग, वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग दैट टाइम, वाइल वी वर अस्लीप, जिस समय हम सो रहे थे उस समय डोरबेल बजी। यदि आप यहां पर एज लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा, द डोरबेल रैंग एज वी वर अस्लीप, तो एज का मतलब यहां पर निकलेगा बिकॉज और इसका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा गलत। द डोरबेल रैंग, घंटी बजी क्योंकि हम सो रहे थे, इसका मतलब यह है कि यदि आप सोएंगे तो घंटी बजेगी और जितनी बार आप सोएंगे उतनी बार घंटी बजेगी, जैसे ही आप सोएंगे घंटी बजने लगेगी, इसका कॉन्टेक्स्ट ये निकल रहा है, तो इसलिए वाइल के स्थान पर एज का प्रयोग यहां पर गलत हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना बेहद जरूरी है। अंकिता गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 22, अंकिता की शादी हो गई जब उसकी एज थी 22। तो यहां पर आप एक फिक्स्ड ऑलमोस्ट फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो इसलिए वैन का प्रयोग यहां पर सही है। अब यहां पर यदि आप सपोज आप एज लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या निकलेगा, देखिए मैं बताता हूं। अंकिता गॉट मैरिड एज शी वाज 22, मतलब चूंकि अंकिता की एज 22 हो गई थी या अंकिता 22 साल की हो गई थी इसलिए उसकी शादी हो गई। इसका मतलब ये है कि जो भी लड़की 22 साल की होगी या हो जाएगी उसकी शादी हो जाएगी या शादी होना जरूरी है उसका, ये एक रूल है, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो कॉन्टेक्स्ट इसमें काफ़ी फनी हो जाएगा यदि आप यहाँ पर एज लगा देंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है। द डोरबेल रैंग एज वी वर अस्लीप, इनकरेक्ट है। अंकिता गॉट मैरिड एज सी वॉज 22, थोड़ा सा आपको इसको फोकस के साथ इन सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको, ये गलत है, ये गलत है। काफ़ी सारे मैंने करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस वीडियो क्लास में इसलिए लिए हैं ताकि डिटेल में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हों। देखिए एक होता है सिंस, एक होता है एवर सिंस और एक होता है सिंस देन। सिंस तीनों का ही मतलब है उस समय से, उस समय से लेकर अब तक, ठीक है। सिंस का मतलब भी है उस समय से लेकर अब तक, सिंस देन और एवर सिंस। एवर सिंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। इसमें हम फोकस, इसमें हम इम्फेसाइज कर रहे हैं कि उस समय से लेकर अब तक कंटिन्यूअसली। सिंस देन का भी मतलब होता है उस समय से लेकर अब तक कंटिन्यूअसली, लेकिन एवर सिंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। एवर सिंस को आप प्रपोजिशन और कंजक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, सिंस देन को आप केवल एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, ये दोनों एडवर्ब हैं एक्चुअली। देखिए सिंस देन एंड एवर सिंस बोथ आर यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ टाइम। द वर्ड्स मीन्स कंटिन्यूअसली सिंस अ स्पेसिफाइड टाइम, इट मीन्स कंटिन्यूअसली सिंस अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। एवर सिंस एंड सिंस देन, बट एवर सिंस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंस देन। ही स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच लास्ट ईयर and has been speaking fluently ever since. उसने फ्रेंच को याद करना या फ्रेंच को सीखना, ही स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच लास्ट ईयर उसने सीखना शुरू किया और has been speaking fluently, और उस समय से लेकर अब तक वो fluently बोल रहा है। तो ये है ever since का use. He became ill while eating pizza and hasn't touched it since then. यहाँ पर इसका एडवर्ब का प्रयोग हम कर रहे हैं, एज ए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हम सिंस देन को लगा के इसमें हम कर रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस हैं। एवर सिंस इज ए स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ सिंस देन, ठीक है। एवर सिंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एवर सिंस को हम कंजंक्शन और प्रपोजिशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, सिंस देन को नहीं कर सकते। एवर सिंस को हम कंजंक्शन और प्रपोजिशन की जगह यूज़ कर सकते हैं। देखिए
यहां पर देखते हैं सेंटेंस को. आई हैव वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एवर सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक लास्ट ईयर. जब से मैंने म्यूजिक को सीखना शुरू किया है तब से मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं. तो एवर सिंस दो सेंटेंसेस के बीच में यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ. द विलेज पीपल हैव बीन सफरिंग एवर सिंस द फ्लड एंड अर्थक्वेक. फ्लड एंड अर्थक्वेक क्या है, नाउन है. नाउन को कंट्रोल करता है प्रपोजिशन, तो यहाँ पर ये प्रपोजिशन है. तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं और ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पर अपने डाउट्स एंड क्वेरी आप भेज सकते हैं. इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.